नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बात करते हैं भारतीय कलाओं की, भारतीय कलाकारों की। और आज जिस कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, यूं तो उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की तमाम विधाओं की विधिवत तालीम ली है, लेकिन उनके दिल के काफी करीब हैं गजलें और भजन। तो नवरात्र का मौका है, तो क्यों ना एक ऐसे कलाकार से आपका परिचय कराया जाए जिनका दिल बसता है भजनों में। और मैं बेहद विनम्रता से स्वागत करता हूं बेहद गुणी, बेहद काबिल और बेहद सुरीली विधि शर्मा का। धन्यवाद शिवेंद्र जी, और रागगिरी को भी मेरा धन्यवाद, और अपने सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। विधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कहा कि यूं तो आपने शास्त्रीय संगीत की विधिवत तालीम ली है, गंधर्व महाविद्यालय की आप छात्र रही हैं बचपन से, बहुत कम उम्र से, लेकिन दिल के करीब भजन और गजल ज्यादा है, क्या वजह है इसकी? जी, इसकी वजह यही है कि सीखना थोड़ा सा बाद में शुरू किया और भजन गीत गजलें सुनना पहले शुरू कर दिया था। मुझे याद है जब से मैंने होश संभाला है तब से सुबह सुबह अनूप जलोटा जी के भजन हम सुनते थे, लता जी के भजन अभी भी सुनते हैं, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित जसराज जी, सबके सुरीले सुमधुर भजनों ने हमें समय से उठाया है। स्कूल के लिए हम तैयार होते थे और फिर कोई नई जैसे गज़ल का एल्बम आना मार्केट में, तो उसका कैसेट ज़रूर हमारे घर पे आता, तो उसको सुनना, दिन दिन सुनना, तो सुनने का बहुत शौक था और चलता था। मेरे फादर गाते हैं बहुत अच्छा, तो एक संगीत का थोड़ा सा माहौल घर पे था, तो सुनती थी अलग अलग कलाकारों को, सुन के बहुत अच्छा लगता था। तो शुरुआत तो ऐसे सुनकर ही हुई और फिर उसके बाद फिर शास्त्रीय संगीत की मेरी शिक्षा शुरू हुई। तो विधि, बातचीत को आगे बढ़ाएं, इससे पहले जब ये तय हो ही गया, ये बात हो ही गई कि आपके दिल के करीब भजन है, तो क्यों ना इस नवरात्र के मौके पर कुछ भजन जो आप गुनगुनाना चाहें, दो दो चार चार लाइन माँ की भक्ति के लिए, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब सबकी निगाहें ईश्वरीय शक्तियों की तरफ है कि मानव जाति का कल्याण जो है वो करें, इस मुश्किल वक्त से वो हमें उबारें। जी जरूर, मेरी गाई हुई भोर भई अम्बे माँ की आरती है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं श्रोताओं के लिए सुनाती हूँ। अच्छा विधि, मैं अब थोड़ा सा आपके बचपन में चलते हैं, और जो मैंने आपके बारे में रिसर्च की, जो पढ़ा कि आपको 3 साल की उम्र से आपने संगीत सीखना शुरू किया, आपके पिताजी ने आपको मोटिवेट किया कि आप म्यूजिक सीखें, क्या कुछ याद आता है और किस तरह से वो जो माहौल था उस वक्त गंधर्व महाविद्यालय का, जिस तरह की संगीत में जिस तरह का अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, वो एक बच्चे के तौर पर आप कैसे याद करती हैं? जी, बचपन की कुछ बड़ी ही सुरीली यादें हैं। मुझे याद है कि मैं 3.5-4 साल की थी, तो एक स्टडी टेबल होता था हमारे घर पे, उसके नीचे मैं
जाके छुप के बैठ जाती थी, टेप रिकॉर्डर लेकर आती थी अपने साथ और अपनी मनपसंद कुछ कैसेट्स इकट्ठे करके ले आती थी, आराम से वहाँ बैठकर सुनना और साथ में उसके गुनगुनाना। तो ऐसे ही शुरुआत हुई। गंधर्व मैं काफ़ी बाद में गई जब मैं कुछ 6-7 साल की थी, और वो भी हम सीखने के लिए हमारे घर पे गुरु आती थी, तो उस समय श्रीमती विदुरा साठी जी हमें घर पे सिखाने आती थी और एक श्रीमती खांडेकर जी थी वो भी सिखाती थी। तो एग्जाम देने के लिए हम गंधर्व जाते थे। और मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगी कि एक कलाकार के बीच या एक उभरते हुए कलाकार के बीच या एक बच्चे जो एक कलाकार के तौर पर डेवलप होता है वो अपने घर में क्या सुनता है, उसके पेरेंट्स क्या सुनते हैं और क्या उसको सुनाते हैं, ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत अहमियत रखता है। आप सहमत हैं इस बात से? घर पे तो शुरू से संगीत का माहौल है और पिताजी खुद भी गाते और हम भी गाते, तो ऐसा गाना बजाना का माहौल था। और इसके अलावा स्कूल में भी म्यूजिक ग्रुप में गाना, और उसमें इतनी हमारी तैयारी होती थी, इतनी लॉन्ग आवर्स ऑफ प्रैक्टिस होते थे, कई बार हम स्टे बैक भी करते थे और खूब देर तक बैठना, बैठकी लगाकर गाना, वो स्कूल में बहुत बचपन से सीखा। तो मिसेस बैनर्जी जो हमारी मिसेस पूर्वाई बैनर्जी जो स्कूल की म्यूजिक टीचर हैं, उनसे बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी। क्लासिकल की अलग अलग रागों की बंदिशें वो सिखाती हैं, उनको बहुत शौक था अलग अलग राग में भजन सिखाना, स्तोत्र सिखाना। फिर बाद में कॉलेज में जब मैंने ड्राइविंग सीखी तो उस समय खुद ड्राइव करके हम जाते थे, और फिर वहाँ का जो माहौल होता था वो देख कर उसमें सबके साथ मिलकर बैठना, सीखना सलीका पूरा, तो वो सीखा। और रियाज की इम्पोर्टेंस जो थी वो बाद में चलकर आई। वहाँ पर मणिकुंतला भौमिक जी हैं जिनसे हमने सीखा, और भैया जी मधु मुद्गल जी, उनसे भी बहुत मैंने गाइडेंस ली, उन्होंने भी मुझे, भैया जी ने बहुत चीजें बताई सिखाई। विधि कोई एक और भजन जो आप हमें सुनाना चाहें, हमारे रागगिरी के श्रोताओं को दर्शकों को सुनाना चाहें? जी जरूर, मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश, अपनी कॉम्पोजिशन कबीर की एक रचना आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। घूंघट के पट खोल
अच्छा दीदी, ये जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक का जो जॉनर है, जिसमें आप भजन ले लें, जिसमें आप कव्वाली भी ले लें, जिसमें आप गजलों को ले लें, बाकी चैती, ठुमरी, टप्पा, इस तरह की जो शैलियां हैं वो तो हैं ही, आपको लगता है कि जो इनकी लोकप्रियता है या जो इनका इनका जो एग्जिस्टेंस है क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ, वो बहुत स्ट्रांग हुआ है, वो पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ा है, पॉपुलर हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जॉनर हो, चाहे भजन, गजल या जैसा आप कह रहे हैं कव्वाली, सबकी ऑडियंस शुरू से रही है। और ये संगीत के जितने भी हमारे संगीत के जॉनर हैं, इनकी लोकप्रियता शुरू से रही है। तो ये कहना कि वो बढ़ गई है, उसमें हो सकता है कि गाने वाले कलाकार बढ़ गए हों, पर संगीत तो उतना ही पॉपुलर है, उतना ही लोकप्रिय है जितना पहले था। और इसको पॉपुलैरिटी इस तरीके से देखा जा सकता है बड़ी है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा नए कलाकार आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसकी लोकप्रियता कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी है, पर श्रोताओं ने तो शुरू से इसको पसंद किया है। कोई भी जॉनर हो, चाहे ठुमरी, दादरा, टप्पा, चैती, लोग बड़े चाव से सुनते हैं। संगीत में विधि एक 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 बहुत बड़ा प्रयोग का भी एक दौर होता है, या कह लें कि एक सेगमेंट होता है जहां आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आपने जो बांसुरी के बड़े कलाकार हैं अजय प्रसन्ना जी, उनके साथ काफी कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें भी की हैं। किस तरह का वो एक्सपीरियंस रहा है, वो जरा हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अजय जी के साथ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सीक्रेट वेपन के नाम से कोलैबोरेशन मैंने किया है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत कम ऐसे कलाकार, ऐसे संगीतज्ञ होते हैं जिन्हें इंडियन क्लासिकल की पूरी नॉलेज के साथ साथ वेस्टर्न क्लासिकल की भी बहुत जबरदस्त नॉलेज हो। तो अजय जी उन गिने चुने संगीतज्ञों में से एक हैं, और बहुत कुछ मैंने सीखा है उनके साथ काम करके, कोलैबोरेट करके। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत, इसमें हमने ठुमरी से लेके, गजल से लेके, फोक से लेके, इवन अरबिक फोक भी हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मैंने गाया, सरगम गाई पर अरबिक स्टाइल में गाई। तो बहुत एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ, और एक बहुत ही ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। विधि, में लगातार आपके परिचय से लेकर और अभी तक ये बात कह रहा हूँ कि आपने तालीम ली है शास्त्रीय संगीत की विधिवत, तो कोई एक राग या कोई सेमी क्लासिकल चीज, जिसका जिक्र मैंने अभी पिछले सवालों में भी किया था, जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आप हमें सुनाना चाहें? जी जरूर, एक कोशिश करती हूँ राग मिश्र भैरवी में एक छोटी सी ठुमरी सुना दूं। राधा राधा ब्रज
जो संगीत सीख रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें उनके लिए अगर आप एक डूज या डोंट्स की एक लिस्ट बनाना चाहें कि किस तरह से उन्हें अपनी पढ़ाई और अपनी संगीत साधना या संगीत की ट्रेनिंग में बैलेंस रखना है, या इस तरह के जो छोटे छोटे बहुत बहुत उपयोगी बहुत जरूरी टिप्स होते हैं वो अगर आप देना चाहें खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए, जैसा मैंने कहा डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट हो, तो आप क्या बताना चाहेंगी? डूज एंड डोंट्स की बात करूं तो डूज में तो यही आता है कि सुने, जब मौका मिले तो आप संगीत सुने, शास्त्रीय संगीत सुने। इससे क्या है कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनता है। मुझे याद है हम लोग एग्जाम्स देते थे स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो नेक्स्ट डे जैसे एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले हम जरूर शाम को गाते थे। तो गाना गाना और गाना सुनना बहुत जरूरी है, गाना सुनना तो बहुत ही जरूरी है। और स्कूल टाइम में चाइल्डहुड में ये डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करना बड़ा थोड़ा सा इजी इसलिए होता है क्योंकि आपका एक शेड्यूल बंधा होता है। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है तो मुश्किल आती है, पर एक बात इसमें यह भी है कि एक टैलेंट और इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बच्चे में अगर टैलेंट है बहुत और अगर उसका इंक्लिनेशन है तो फिर वो अपने आप ही समय निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे इतना शौक होता था सुनने का उस समय कि मैं टेबल के स्टडी टेबल के नीचे जाके टेप रिकॉर्डर लेकर बैठ जाती थी और सुनती रहती थी, घंटों घंटों सुनती रहती थी और साथ में गुनगुनाती रहती थी। तो ये इंटरेस्ट और टैलेंट होना जरूरी है। उसके बाद धीरे धीरे एक अच्छे गुरु के पास जाकर सीखना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उस चीज का हर आर्ट फॉर्म को परफेक्ट करने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए रियाज बहुत जरूरी है। और ये रियाज आखिरी जीवन के आखिरी दिन तक चलते रहना चाहिए। हम रोज यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा रियाज हमेशा बरकरार रहे, तो रियाज करना बहुत जरूरी है। और अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बच्चों को
डाइट बहुत अच्छा लेना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए बहुत, आप क्योंकि संगीत में गायन में ब्रेथ, स्ट्रांग ब्रेथ होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए थोड़ा रनिंग करना, आउटडोर गेम्स में साइकिलिंग करना, रनिंग करना, कुछ खेलना कूदना, ये बहुत जरूरी है। तो डूज है और डोंट्स में तो यही है कि आप बस कुछ अपना ध्यान रखें, गला ना खराब हो, गाने में तो गला के बहुत इम्पोर्टेंस है, तो गले का ध्यान रखना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए और संगीत सुनते रहिए, इंस्पायर होना जरूरी है, किसी को इंस्पिरेशन बनाना, उनको सुनना, उनसे सीखना, फिर अच्छे गुरु से ट्रेनिंग लेना, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डूज एंड डोंट सिर्फ चाइल्डहुड से और फिर बन गए तो फिर ये सब भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स ऐसे हैं कि ये पूरे जीवन, आजीवन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। निधि, हमारा ये सौभाग्य है कि इस लॉकडाउन में भी हमें कलाकारों से बातचीत करने का लगातार मौका मिला, आप जैसे सुधी गुणी कलाकारों से जुड़ने का मौका मिला। तो इस इंटरव्यू को खत्म करें उससे पहले कुछ गुजारिश करना चाहेंगे फिल्मी गानों की, जो खूबसूरत पुराने गाने जिनको सुन के आपको बचपन में अच्छे लगते रहे हों या जो आप अभी भी गुनगुनाती हों, कुछ ऐसे गाने जो दिल के बेहद करीब हों। जी, एक मेरा बड़ा पसंदीदा गीत है, मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन और लता जी का गाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रागगिरी के तमाम दर्शकों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही संगीत की जो साधना है उसमें अनवरत आपकी जारी रहे, आप अच्छे अच्छे गाने गाएं और जो सुरों की महक है, जो ये भारतीय संस्कृति की महक है, इसको फैलाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी और रागगिरी का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।